So guys, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले some interesting stuff that we all should know. Yes, stuff you should know, एक interesting और एक integral part था tech stuff का जो किसी कारणवश हम लोगों ने बीच में बंद कर दिया था. But उसके बाद बहुत सारे stuff listings army के members ने feedback दिया कि नहीं हमें stuff you should know चाहिए ही चाहिए. So आज से हम वापस से start कर रहे हैं stuff you should know. Comment section में आपको पता है आपने क्या करना है. कल सुबह के tech stuff onwards आपको stuff you should know वाला जो section था tech stuff में फिर से देखने को मिलने वाला है. Hey guys, this is Mukul Sharma, aka stuff listings. Good morning and welcome to yet another episode of Tech Stuff. और गाइस आज की वीडियो का लाइव टारगेट फिर से लेके चलते हैं 2500 का. और आज की न्यूज़ स्टार्ट करते हैं ओप्पो के साथ. टुडे इज 17th ऑफ नवंबर और आज ओप्पो का इनो डे है जहां पे हमें एक रोलेबल स्मार्टफोन ओप्पो की तरफ से देखने को मिलने वाला है चाइना में. ये एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन होगा और अभी के लिए कमर्शियली तो ये स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं होगा. बट ओप्पो ने एक और स्मार्टफोन को पेटेंट किया है जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन देखने में लग रहा है. इसमें जो कैमरा होगा वो आपको स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलेगा. वंस अगेन इट विल बी काइंड ऑफ अ पॉपअप सेल्फी कैमरा. बट यहां पे पॉपअप एक रेक्टेंगुलर वाला निकलने की जगह शार्क फिन निकलने की जगह एक सेमी सर्कुलर पॉपअप आपको कैमरा देखने को मिलेगा. एलईडी फ्लैश भी होगी इस पॉपअप में और पीछे की तरफ का जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी मिज़ू का एक स्मार्टफोन आया था ना वैसा देखने में होगा. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ओप्पो का स्मार्टफोन है. कुछ लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं, कुछ पब्लिकेशंस ने ये भी क्लेम किया है कि ये जो ओप्पो का स्मार्टफोन जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कुड वेरी वेल बी द ओप्पो रेनो 5 सीरीज स्मार्टफोन. ये अभी कंफर्म नहीं है, मेरे को हाईली अनलाइकली लग रहा है कि ओप्पो रेनो 5 सीरीज में इतना आपको रेडिकल डिजाइन देखने को मिलेगा. बट यस, नेवरदीलेस ओप्पो का ऐसा एक स्मार्टफोन हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है. कैसा लगा आपको ये डिजाइन कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. और आज की वीडियो का पोल आप लोगों के लिए ये है कि पॉपअप सेल्फी कैमरा वाले स्मार्टफोन्स का कल्चर धीरे धीरे लग रहा है कि खत्म होता जा रहा है. क्या आपको लगता है कि वाटर ड्रॉप नॉच पंच होल डिस्प्लेज बेटर हैं या फिर पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला जो अरेंजमेंट होता था 2019-2020 के शुरू में दैट वाज बेटर. कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं. और गाइस पेटेंट की बात करें तो फोल्डेबल रोलेबल ये स्मार्टफोन्स 2021 में हमें बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं. और एलजी ने भी एक नया पेटेंट किया है फोल्डेबल स्मार्टफोन का. ये स्मार्टफोन जैसे सैमसंग का ओरिजिनल गैलेक्सी फोल्ड था दिखने में ऐसा होगा बट बेजल्स यहां पे थोड़े से बड़े हैं. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं एलजी का ये नया फोल्डेबल स्मार्टफोन. दिस इज व्हाट इट्स गोइंग टू लुक लाइक. और 2021 में वी कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट ऑफ कोर्स एलजी का एक रोलेबल स्मार्टफोन तो लॉन्च होगा ही होगा बट उसके साथ ये फोल्डेबल स्मार्टफोन भी हमें देखने को मिल सकता है. और गाइस सबसे पहले मैंने बात की रोलेबल स्मार्टफोन की, फिर बात की मैंने फोल्डेबल स्मार्टफोन की, अब फिर से आ रहा हूं मैं एक रोलेबल स्मार्टफोन पे. सबसे पहले तो चलो ओप्पो आज अनवील कर देगा, इसके बाद एलजी का भी एक रोलेबल स्मार्टफोन आएगा. बट अब ऐसा लग रहा है कि यार सैमसंग की तरफ से भी हमें जल्दी ही एक रोलेबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है. बिकॉज सैमसंग के जो वाइस चेयरमैन है ली जे यंग, ये एक मीटिंग से बाहर आते और कुछ ईगल आइड लोगों ने एक फोटो ले ली जहां पे ये जो वाइस चेयरमैन जी हैं ही वाज स्पॉटेड यूजिंग अ रोलेबल स्मार्टफोन. अब यार सैमसंग के वाइस चेयरमैन है तो किसी और कंपनी का रोलेबल स्मार्टफोन तो वो नहीं यूज कर रहे होंगे. दैट टू अ प्रोटोटाइप स्मार्टफोन ऑफ सम अदर कंपनी, दैट क्लियरली मीन्स सैमसंग का भी एक रोलेबल स्मार्टफोन हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है. एंड आई एम वेरी श्योर कि 2021 में हो सकता है हमें सैमसंग की तरफ से भी ऐसी न्यूज देखने को मिल जाए. और गाइस फोल्डेबल्स की बात करें तो अगली न्यूज भी फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की है. यहाँ पे मैं बोल के फोल्ड हो चुका हूं और ये सारी कंपनीज तो एंड्रॉइड बेस्ड कंपनीज हैं बट व्हाट अबाउट एप्पल. एप्पल कब अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टॉक्ड अबाउट क्वेश्चन है. एप्पल एज इट टर्न्स आउट हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इट्स फोल्डेबल स्मार्टफोन. एप्पल के सप्लायर्स ने फोल्डेबल आईफोन्स को टेस्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, ऐसा एक नई रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला है. अब स्मार्टफोन का नाम क्या होगा, आई फोल्ड, आईफोन फोल्ड, आई डोंट नो अभी के लिए. बट यस, एप्पल का ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा वो सुनने में आ रहा है कि सितंबर 2022 में हमें देखने को मिलने वाला है. और गाइस एप्पल की बात करें, आज सारी न्यूज वैसे कनेक्टेड सी लग रही है. एप्पल की बात करें तो ब्लैक शार्क की आज बात करना मैं चाहूंगा. ब्लैक शार्क ने अपने ब्लैक शार्क 4 सीरीज या ब्लैक शार्क 5 सीरीज पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है. 4 और 5 की कंफ्यूजन यहां पे इसलिए है बिकॉज द नंबर 4 इज काइंड ऑफ नॉट टू लकी व्हेन इट कम्स टू चाइनीज यू नो कल्चर. वो लोग नंबर 4 को थोड़ा सा अनलकी मानते हैं, इसके चलते बहुत सारे 4 सीरीज के स्मार्टफोन हमें चाइना में नहीं देखने को मिलते. बट अभी के लिए ब्लैक शार्क 4 या ब्लैक शार्क 5 ये जो स्मार्टफोन होगा उसकी
डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, ऐसा ब्लैक शार्क के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया। और वो एक इंटरेस्टिंग चीज भी क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक शार्क अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज होगी वो आईफोन 12 प्रो स्मार्टफोन को आउटरन करने वाली है, आउट परफॉर्म करने वाली है। मैं कहीं ना कहीं मानता हूं यार, गेमिंग स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे होते हैं परफॉर्मेंस में, बट यहां पे ये क्लेम जो है उसको टेस्ट करने में बहुत मजा आएगा। अपकमिंग जो ब्लैक शार्क वाले स्मार्टफोन्स होंगे आईफोन 12 प्रो को अगर शीयर परफॉर्मेंस पे बीट कर गए तो वंस अगेन एंड्रॉइड विल विन हियर एंड आई विल प्रोबेबली बी वेरी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ, एंड सैमसंग गैलेक्सी A02 ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है और बहुत अलग अलग सर्टिफिकेशंस वगैरह पे ये स्मार्टफोन ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुका है। अब ये स्मार्टफोन ग्लोबली हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, बिकॉज सैमसंग गैलेक्सी A02 स्मार्टफोन GCF सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। आगे बढ़ते हैं मोटोरोला की तरफ, एंड मोटोरोला इंडिया में जल्दी ही एक नए वायरलेस हेडफोन्स या ईयरफोन्स को लॉन्च करने वाला है, बिकॉज मोटो के ये नए वायरलेस हेडफोन स्लैश ईयरफोन्स इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुके हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ, एंड वीवो ने कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च किया था एक नया मिड रेंज 5G स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का नाम था वीवो S7e 5G। दिखने में स्मार्टफोन अच्छा खासा और इसकी प्राइसिंग है समवेयर अराउंड युआन 2400। और ये जो स्मार्टफोन है 20th नवंबर को सेल पे जाने वाला है। कुछ 5-10 दिन पहले कंपनी ने इसको लॉन्च किया, प्री ऑर्डर्स वगैरह चल रहे थे, फाइनली अब चाइना में इसकी सेल शुरू होने वाली है। एंड यस, आप देखते हैं ये स्मार्टफोन ग्लोबली कब लॉन्च होता है। इंडिया में वैसे स्मार्टफोन के लॉन्च होने के चांसेस कम ही हैं, बट सिंस डायमेंसिटी प्रोसेसर्स वाले स्मार्टफोन्स इंडिया में अब आने वाले हैं 2021 में, ये जितने भी स्मार्टफोन्स चाइना में लॉन्च हो रहे थे, और बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं कि यार चाइना में तो अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं 10,000 से 30,000 की रेंज में, इतने तगड़े तगड़े फोन लॉन्च हो रहे हैं, बट इंडिया में फिर ले दे के वही 4G स्मार्टफोन आते हैं इस रेंज में, 2021 में ऐसा नहीं होगा। और जैसे ये स्मार्टफोन है वीवो S7e, ऐसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स हमें अगले साल इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ फिर से, एंड सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला है एक नया मिड रेंज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी M12। इसके रेंडर्स और स्पेसिफिकेशंस अब लीक हो चुकी हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाट द सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक। पीछे की तरफ होंगे 4 कैमरास, स्क्वायर शेप्ड कैमरा मॉड्यूल है जैसा गूगल के पिक्सल डिवाइसेस में हमें देखने को मिलता है। डुअल टोन यहां पे फिनिश है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनिश है। नीचे की तरफ है ग्लॉसी फिनिश और उसके ऊपर आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगी। एंड सिंस ये एक एंट्री लेवल स्लैश मिड रेंज स्मार्टफोन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो प्लास्टिक बैक ही हमें देखने को यहां पे मिलने वाली है। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन में हमें एक 6.5 इंचेस की फ्लैट एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाली है। USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट होगा, 3.5mm हेडफोन जैक भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ में आपको यहां पे वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी फ्रंट कैमरा के लिए। अभी के लिए ये सारी चीजें लीक हो चुकी हैं, बाकी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं जैसे ही मेरे को पता चलेंगी आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन ट्विटर एज वेल एज ऑन टेक्स्टर। गाइस आगे बढ़ते हैं माइक्रोमैक्स की तरफ, एंड माइक्रोमैक्स ने कुछ टाइम पहले इंडिया में लॉन्च किए थे अपने दो नए स्मार्टफोन्स, माइक्रोमैक्स इन 1B और माइक्रोमैक्स इन नोट 1। अब इनमें से दोनों ही स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग आपको ज्यादा चैनल्स वगैरह पे देखने को नहीं मिलेगी। अभी के लिए द क्रिएटर्स हैव नॉट रिसीव दी स्मार्टफोन्स, एंड लोग भी कंफ्यूज हैं कि यार हमें इन स्मार्टफोन्स को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और कंफ्यूजन अभी चलती आ रही है माइक्रोमैक्स के इन सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स को लेके। स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी है, प्राइसिंग बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बट यस रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो दैट इज नेक्स्ट टू नन एज ऑफ नाउ। बट यस माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 स्मार्टफोन फाइनली Geekbench डेटाबेस सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे या Geekbench डेटाबेस लिस्टिंग वेबसाइट पे लिस्ट हो चुका है। 347 इसने स्कोर किया है सिंगल कोर में और 1322 मल्टी कोर यहां पे आपको स्कोर्स देखने को मिलेंगे। ऑफकोर्स एंड्रॉइड 10 पे स्मार्टफोन रन कर रहा है, बाकी की चीजें तो हमें पता ही है, बट अगर हम बात करें Geekbench स्कोर्स की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 ने बहुत सारे मिड रेंज स्मार्टफोन्स को अच्छी खासी यहां पे टक्कर दी है। और यस Geekbench को अगर आप कुछ मानते हैं तो उस हिसाब से माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन जो होगा वो अच्छा खासा पावरफुल स्मार्टफोन होगा आपको ऑफ कोर्स अपने प्राइस रेंज में। आगे बढ़ते हैं OnePlus की तरफ, एंड OnePlus 9 स्मार्टफोन के रेंडर्स लीक हो चुके हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुकी हैं, इसके प्रोसेसर Geekbench कोर सब कुछ ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, और ये स्मार्टफोन लॉन्च होना है मिड मार्च में। सो 4 महीने पहले ही सारी चीजें यहां पे निकल के आ चुकी हैं, बट अब OnePlus 9 स्मार्टफोन का जो Geekbench कोर था उसके अलावा इसके प्रोसेसर की अलग अलग कोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है हमें। और नोटेबली OnePlus 9 में हमें 8 कोर्स देखने को मिलेंगे ऑफकोर्स, और एक होगी 1X Cortex-X1 जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड होगी। 3 कोर्स होंगी कोर्टेक्स A78 2.84 गीगाहर्ट्ज पे, और साथ में आपको मिलेंगी 4 कोर्टेक्स A55 कोर्स जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड होंगी। सो ये है यहां पे आपके OnePlus 9 के प्रोसेसर के बारे में डिटेल्स, जितने भी यहां पे कोर्स हैं 8 उनके बारे में अब यहां पे डिटेल्स लीक हो चुकी हैं।
और गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे है सब्सक्राइब वाला बटन, उसको आप दबा सकते हैं, इट वोंट टेक टू लॉन्ग। और उसके साथ में है एक बेल आइकन, उसको दबाना भी बहुत जरूरी है, सो दैट आपको मेरे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। Xiaomi रिपोर्टेडली बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है चाइना में। 24 नवंबर को Redmi Note 9 सीरीज लॉन्च होगी चाइना में, और ये ग्लोबली भी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है। Redmi K40 सीरीज भी लॉन्च हो रही है, बट यस फ्लैगशिप सीरीज की अगर हम बात करें तो Mi 11 सीरीज हमें जल्दी ही चाइना में देखने को मिलने वाली है। और डिजिटल चैट स्टेशन ने Mi 11 प्रो स्मार्टफोन के बारे में कुछ टाइम पहले बताया था कि इसकी डिस्प्ले कैसी होने वाली है। अब उन्होंने इस डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के बारे में भी कुछ पर्दाफाश किया है, और वो कह रहे हैं कि Mi 11 प्रो स्मार्टफोन में हमें 3200x1440 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। 3K 2K जो भी यहाँ पे डिस्प्ले है, एक अनयूजुअल था थोड़ा सा रेजोल्यूशन है यहाँ पे, और आपको साथ में मिलेगी अच्छी खासी रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज की एमोलेड पैनल होगा। सो Mi 11 सीरीज भी बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे सीरीज बनती जा रही है। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं फिर से पोको के साथ, और पोको का अपकमिंग स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है ऐसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और अब पोको ने ऑफिशियली अपकमिंग पोको स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। एक नया पोस्टर कुछ टाइम पहले पोको ने ट्वीट किया था, फेसबुक वगैरह पे भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट किया था। वहां पे लिखा हुआ है, डियर पोको फैंस, दिसंबर इज कमिंग, वेदर यू आर बाइंग प्रेजेंट्स और नॉट, जस्ट रिमेंबर दैट Poco is thankful for you। और उसके नीचे लास्ट में उन्होंने लिखा, because we have a surprise gift for you soon, so stay powerfully cool। So yes, surprise यहां पे गिफ्ट की जो बात की जा रही है, definitely hint तो किया जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन जो है वो जल्दी ही हमें देखने को मिलने वाला है। अभी के लिए न्यूज यही है कि 24 नवंबर से पहले ही हमें Poco के स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, which is not too far from now। अब देखते हैं, ये हफ्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लीक्स के हिसाब से, लॉन्चेस के हिसाब से, और बहुत सारी अनबॉक्सिंग्स भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल हमने आपसे पूछा था कि यार अकॉर्डिंग टू लीक स्पेसिफिकेशंस, डू यू थिंक सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज इज एन एक्चुअल सक्सेसर ओवर द सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज। यहां पे 66% लोग कह रहे हैं यस इट इज, और 34% लोग कह रहे हैं नहीं, हमें ये नहीं लगा कि यार कोई ये इंटरेस्टिंग अपग्रेड है। सो यस, मेरे हिसाब से भी ये कि यार इंक्रीमेंटल अपग्रेड तो है, अब देखते हैं एक्चुअल में जब प्रोडक्ट आता है उसकी एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी होती है, उसके हिसाब से बेटर मैं आप लोगों को अपना फीडबैक दे पाऊंगा। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए, सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट में फीचर करता रहूं। So guys, ये थी सुबह के टेक्स्ट स्टफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन शाम को 5:50 पे फिर से मिलेंगे एक और फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक्स्ट स्टफ के साथ। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।